नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थितियां सामान्य हो जाने तक अधिकारियों कर्मचारियों को छुट्टी पर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्षा का चक्र बदलने के कारण सितंबर माह में जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे अधिक हो रही है। अतिवर्षा के बावजूद भी जनजीवन सामान्य रहे, इसलिए समय रहते आवश्यक सावधानियां बरतते हुए बचाव के कार्य किए जाने चाहिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिया है कि निचली बस्तियों में रहने वालों को समय रहते सतर्क किया जाए और आवश्यकता अनुसार उन्हें राहत कैंपों में शिफ्ट किया जाए। जिन रपटों पर पुलों पर पानी है वहां तत्काल आवश्यक सावधानी व सतर्कता बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवर्षा के प्रभाव से हुई जनहानि और पशु हानि की स्थिति में राहत उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस सीज़न में जितनी बारिश होना चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है, और ख़ास करके सितंबर माह में ये जो एक तरह से मौसम का वर्षा का पूरा चक्र बिगड़ गया ऐसा लग रहा है। इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर SP के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान में कोई घटना न घटे, इसकी पूरी सावधानी रखे। और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रदेश की जनता से कि हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और वर्षा के इस कठिन दौर में भी अपने परिवार में कोई घटना न घटे इसकी सावधानी रखें। जरा भी आपको लगता है कि मकान कच्चा है या थोड़ा हट जाना चाहिए तो जिला प्रशासन पूरा प्रबंधन कर रहा है आपके लिए, न केवल राहत की व्यवस्था बाकी और भी सारे प्रबंधन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं सभी SP कलेक्टर सारे लोगों को, क्योंकि आगामी 30 सितंबर तक इसी प्रकार से अलग अलग ज़िलों में बारिश की संभावना रहेगी। सभी अधिकारियों की छुट्टियाँ कैंसिल की है। मैं उम्मीद करता हूँ बाबा महाकाल सबको इस कठिन दौर में भी स्वस्थ रखेंगे। कोई भी कारण से कोई भी घटना होती तो आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन जिला प्रशासन को जरूर बताइए, अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ। यह था अब तक अपडेट। लगातार ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ MP के साथ।